अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल आलमी और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अलाफिया मैथ बॉक्स में एक्सपोनेंट्स। और ये आप लोगों ने बच्चों से थोड़ा दूर रखना है क्योंकि इसमें ये देखें स्मॉल स्मॉल से इसमें ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं वो गुजार सकते हैं। तो ये मैथ पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है ये ब्लॉग्स, और आज हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो आए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी हमारा अलाफिया का बॉक्स है और इसमें ये सारे हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। इसमें ये 100x100 वाला होता है और ऐसे ये सारे होते हैं, ये वाले ग्रीन और रेड और ब्लू वाले और ये नीचे ग्रे वाले, ये अलजेब्रा के लिए होते हैं जो हम फिर किसी और दिन पढ़ेंगे। अभी हमें बाकी थोड़े और चाहिए होंगे तो हम अभी इनसे एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है मैथ सीखने के लिए, तो अगर आप लोगों को मैथ नहीं आ रही तो आप लोग ये ज़रूर खरीदें, ये इससे मैथ बहुत इजी हो जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी ये हमारा 3 के ब्लॉक्स हैं, इसमें ये जिसमें सर्कल होते हैं ये जो सर्कल वाले हैं ये इसका माइनस होता है और ये जो होता है ये प्लस होता है। तो अब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ने लगे हैं, तो मैं मार्कर निकाल लेता हूँ। और अब ये देखें, अब ये 3 के पीसेज हैं मेरे पास, तो अब हम इसको तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग ये सीखना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये चारों चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, वरना आप लोग ये चीज़ें पहले पढ़ें उसके बाद ये सीख लें। अब हम हमारे पास अब ये 3 का है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी ये देखें ना 1 2 3 1 2 3, तो ये भी 3 है ये भी 3 है। तो अगर आपने अब जो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है अब आपको अगर नहीं आता तो ये डब्बे आप गिन भी सकते हैं, लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आंसर इसका ऐसे 9 आएगा और 3 की यहाँ पे पावर 2 होगी। कैसे, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये 2 टाइम आ रहे, बाकी ये 4 बन जाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते उतना। तो ये इसकी पावर माई 2 हो गई। अब हम करेंगे 4 के, ये सारे ब्लॉक्स में ऐसे होते हैं कि एक ये सर्कल वाली साइड होती है ये माइनस होती है और ये जो होती है ये प्लस होती है। तो अब यहाँ पे भी ये 4 आ गए, ये 4 है और ये भी 4 है। तो अगर हम अब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 16। तो अगर अब आप इसको प्लस करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग लेंगे। और इसकी पावर इसकी भी 2 होगी, पावर 2 हो गया, ठीक है जी, ये 4 का हो गया। अब ये हमारे 5 के हैं, इसका भी ऐसे ही होगा कि एक साइड इसकी माइनस की होगी और एक प्लस की होगी। तो अब हम ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब ये वाला यहाँ पे भी 5 है
और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 × 5 इक्वल्स टू 25, और 5 पे यहाँ पे पावर भी 2 आएगी, तो आप लोग ये गिन भी सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम उसके बाद अब हम ये हमारा 10/10 के इस पे ये देखें, ये साइड माइनस है, ये साइड प्लस है, और इस पे हम ये यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन ये सारा मिला के 100 है। तो अगर हम अब इसको 10 ये है, 10 ये है, तो 10 × 10 इक्वल्स टू 100। तो ये इसको आप गिनेंगे तो भी 100 ही आंसर आएगा, और इसकी पावर 10 की हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दो दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे 2। अगर मैं इसको एक बार फिर इसको भी करके 10 और कर देता, तो फिर वो 10 का वो पावर आ जाती 3। हाँ जी, तो अगर अब हमने इसको कर लिया, तो अब अगर हमने नेक्स्ट पेज कर लेते हैं जी। अब अगर हम हाँ जी ये देखें जी, हमने ये 10 × 10 × 10 × 10 × 10 तो आंसर आएगा ये, और इसकी पावर हो जाएगी, ये मैंने 5 टाइम लिखा है, तो इसकी पावर हो जाएगी 5, ठीक है जी। और अगर अब मैंने मैसेज कर लेते हैं यार, पर पूरा नहीं आएगा, तो अगर अब मैंने 11 और 11 का निकालना, तो मेरे पास तो ये 10 का है, मैं अब निकाल नहीं सकता, तो ये जो है हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ये वाला रखेंगे, ये अभी भी 10/10 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसकी जगह ये एक छोटा भी होता है 1 का, ये भी हम ऐसे रख देंगे, तो ये हो गया 11, और ये भी हो गया 11, 11 और 11। तो 11 × 11 इक्वल्स टू 121, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 है। अगर मैं इस साइड से भी करता और इस साइड से भी करता, तो यहाँ पे फिर 3 या 4 आ जाता, तो फिर पावर 3 या फिर 4 होती, तो ये इनको कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ये आप लोगों को इतना सही समझ नहीं आएगा ऐसे आराम से, आप लोगों को इसमें किसी बड़े की भी ज़रूरत चाहिए होगी, मदद वो चाहिए होगी, और ये आप लोग मैथ बॉक्स आराम से मंगवा सकते हो, और ये मैथ बॉक्स पे इनके नंबर लिखे हुए हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।